इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जी पुंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की है। बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। डी पुंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी को तेलंगाना और सुनील जाखड़ को पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? तो हम अमिताभ का दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के संगठन में ये बड़े बदलाव किए गए हैं। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और ये जानकारी खुद जेपी नड्डा की तरफ से दी गई है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, सुनील जाखड़ जबकि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अमिताभ, ये बड़ा बदलाव किया गया है संगठन के अंदर बीजेपी में, इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं और ये बहुत बड़ा संकेत है कि बीजेपी अब पूरी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। और झारखंड में बाबूलाल मरांडी का बनाना ये दिखाता है कि एक ट्राइबल फेस वो आगे रखना चाहते थे, आदिवासी चेहरा जो संथाल से आता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का गढ़ रहा है। तो और इनकी छवि भी बाबूलाल मरांडी की काफी अच्छी रही है और पहले मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं ये झारखंड के, तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। पी पुरंदेश्वरी आंध्रा की थी, जनरल सेक्रेटरी थी, उनको वापस किया गया। तो पंजाब में सुनील जाखड़ जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, तो तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है। तो ये उन राज्यों में जहां बीजेपी पूरा ध्यान लगाना चाहती है वहां प्रदेश की जिम्मेवारी बड़े नेताओं को दी गई है। दूसरा, पार्टी अब चुनाव की तैयारी कर रही है और ये संकेत है कि अब केंद्रीय संगठन में भी, क्योंकि ये केंद्रीय संगठन से जा रहे हैं और कुछ जी किशन रेड्डी केंद्रीय अमिताभ तो यहाँ पर चुनावी मोड में है। इसको इस तरीके से देखा जाए, अगले साल लोकसभा चुनाव है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में बड़े बदलाव के तौर पर ये प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं।